हेलो एवरीवन, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हमेशा की तरह पहले देख लेते हैं पिछला अभ्यास प्रश्न। सवाल था, पूर्वोत्तर राज्यों में भूमि शासन सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? शिलोंग, इम्फाल, गुवाहाटी या फिर ईटानगर? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, गुवाहाटी। चलिए अब आज का पहला सवाल। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 10 मई को, 11 मई को, 12 मई को या फिर 13 मई को? जवाब होगा ऑप्शन बी, 11 मई। अगला सवाल, G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? इटली, जापान, फ्रांस या फिर कनाडा? आंसर है ऑप्शन बी, जापान। अगला प्रश्न, भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल का क्या नाम है? ओम बिरला, अजीत डोभाल, तुषार मेहता या फिर आर वेंकट रमणी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तुषार मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्य कला मेला किस मंत्रालय या विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है? ए, विकलांग व्यक्तियों का अधिकारिता विभाग, बी, कृषि और किसान कल्याण विभाग, सी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग या फिर डी, आयुष मंत्रालय? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विकलांग व्यक्तियों का अधिकारिता विभाग। अगला सवाल, हाल ही में भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती यानी इंडो थाई कॉर्पेट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 31वां, 33वां, 35वां या फिर 37वां? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 35वां। अगला सवाल, हाल ही में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी, कार्लोस अल्कराज, क्रिश्चियन एरिक्सन या फिर शेली एंड फ्रेजर प्रेस? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लियोनेल मेसी। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल में स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? श्री अरबिंदो, सत्येंद्रनाथ बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर राजा राम मोहन राय? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं, हरित सागर दिशा निर्देश 2023 का संबंध किस मंत्रालय से है? आयुष मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया जाएगा मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में या फिर नई दिल्ली में? जवाब होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। अब अगला और अंतिम प्रश्न, हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? एस पेरेज, एस अलोंसो, जी रसेल या फिर एम वेस्टेपेन? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एम वेस्टेपेन।
चलिए अब अभ्यास प्रश्न नोट कर लीजिए। हाल ही में लॉन्च हुई माय लाइफ एज अ कॉमरेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस है ए के शैलजा, बी एन बीरेन सिंह, सी एन रंगास्वामी या फिर डी एम के स्टालिन। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।